देखा आपने किस तरीके से चीन इस पूरे मौके का फायदा उठाने में लग गया है। और अब एक अपडेट कीव का भी दे देते हैं। कल तक रूसी फौज कीव में राष्ट्रपति भवन से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन आज कीव के उत्तर में पुतिन की सेना 5 किलोमीटर आगे बढ़ गई है। कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इस रफ्तार से अगर रूसी सेना आगे बढ़ती रही तो 48 घंटे में कीव पर फतह हासिल कर लेगी। घंटे में होगा कब्जा। रूसी फौज का भय, जेलेंस्की का मरना तय। पुतिन की चढ़ाई, विनाश की घड़ी आई। उसी आक्रमण के 20वें दिन हर शहर में युद्ध के सायरन बजते रहे। हवाई हमले के ये सायरन बता रहे थे कि पुतिन की फौज ने पूरे यूक्रेन के साथ साथ राजधानी कीव पर बमबारी तेज कर दी है। विनाशकारी मिसाइलें बरस रही हैं और कीव को अब तेजी से मलबों के शहर में तब्दील किया जा रहा है। ये कीव है, लगता है जैसे कितना सन्नाटा है, लेकिन जरा ठहरिए। एक शख्स सड़क पर जा रहा है, लेकिन सेकेंडों में सन्नाटे को चीरती हुई आती है एक मिसाइल। ऐसे हमले हो रहे हैं जो बताते हैं कि कीव के पास अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं, जबकि यूक्रेनियन राष्ट्रपति के सलाहकार कहते हैं कि यह युद्ध मई तक चलेगा। लेकिन जिस तरह से क्रेमलिन का फौजी दस्ता कीव पर कहर बरसा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि ज्यादा देर तक कीव इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कीव में आज दो शक्तिशाली धमाके हुए। 15 मंजिला इमारत को उड़ा दिया गया, कुछ और इमारतों को भी टारगेट किया गया। बम धमाकों में कम 2 लोगों की मौत हुई, 35 को बचा लेने का दावा किया गया। रूसी सैनिक राष्ट्रपति भवन से 9 किलोमीटर दूर हैं। 24 घंटे में 5 किलोमीटर तक आगे बढ़ी है रूसी फौज। एक तरफ कीव घिरता जा रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेनी सरकार को लगता है कि यह जंग अभी जारी रहेगी और शांति समझौता मई तक होने की उम्मीद है। कम से कम जेलेंस्की के सलाहकार की तो यही मानना है। मुझे लगता है कि मई के बाद या मई की शुरुआत में हम एक शांति समझौते तक पहुंचेंगे। शायद उससे पहले मैं सबसे पहले जल्दी होने वाली तारीखों की बात कर रहा हूँ। चौथे दौर की बातचीत में कुछ नहीं हुआ, इसलिए क्रेमलिन को लगता है कि बातचीत से कुछ होने वाला नहीं है। जबकि पुतिन के साथ सीधी बातचीत का न्योता देने वाले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक मुश्किलों के बावजूद कामयाबी की उम्मीदें हैं। लेकिन जेलेंस्की की शर्तें सुनिए और खुद अंदाजा लगाइए कि क्या पुतिन हथियार डाल देंगे। रूसी सेनापति, गौर से सुन ले। रूसी अधिकारी, आप पहले ही चीजें समझ चुके हैं। आप यूक्रेन में कुछ हासिल नहीं करने वाले, आप सिर्फ जान लेंगे, हमारी जान, लेकिन आपकी तरफ की जानें ज्यादा जाएंगी। मैं जानता हूं कि आप जिंदा रहना चाहते हैं। मैं आपको मौका दे रहा हूं, जिंदा रहने का मौका। अगर आप हथियार डालते हैं तो हम आपको अपने लोगों की तरह गले लगाएंगे। अब आप खुद चुन लें कि आपको क्या चाहिए। Здравствуйте.
जैसे जैसे रूसी सैनिक कीव के करीब आ रहे हैं, जेलेंस्की उनकी सेना को आत्मसमर्पण के लिए भी कह रहे हैं और अपने लोगों को लड़ने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं और लगे हाथ यूरोप से और ज्यादा हथियार की डिमांड भी कर रहे हैं। यानी जेलेंस्की को पता है कि उनके पास अब बहुत कम वक्त बचा है जो ज्यादा देर तक रूसी फौजों के हमलों को नहीं झेल सकते। यूक्रेन के राष्ट्रपति मदद के लिए यूरोपियन यूनियन में भावुक गुहार लगा चुके हैं। वहां खड़े होकर जेलेंस्की के भाषण पर तालियां बजाई गईं, लेकिन यूरोप की फौज की मदद यूक्रेन को नहीं मिली। ब्रिटेन की संसद में भी जेलेंस्की ने गुहार लगाई, लेकिन ब्रिटेन और नाटो की ओर से भी फौजी मदद नहीं मिली। जेलेंस्की को पता है कि अमेरिका ही इन सब में अड़चन है, लिहाजा बुधवार को वो अमेरिकी संसद से गुहार लगाने वाले हैं और ये जेलेंस्की की यूक्रेन की और यूक्रेन के लोगों की आखिरी उम्मीद है। रूसी फौज तबाही मचा रही है। यूक्रेन के तमाम शहरों में इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं। बम और गोलों के साथ साथ मिसाइलों का ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और इन सब के बीच कीव पश्चिमी मुल्कों के जरिए मास्को पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। स्वास्थ्य संस्था ब्लॉक ने रूसी आयात पर नए शुल्क लगाए। तीन यूरोपीय देशों के नेता कीव के दौरे पर पहुंच चुके हैं। पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के पीएम कीव पहुंचे। यूरोपियन यूनियन लगातार रूस पर दबाव बना रहा है। क्रेमलिन के सामने यूरोपीय संघ का शक्ति प्रदर्शन है। सवाल है कि क्या दबाव व्लादिमीर पुतिन के इरादों को रोकने में कामयाब होंगे? क्या ऐसे कूटनीतिक प्रयास कीव को बचा पाएंगे? क्या ये रूसी आक्रमण को रोक पाएंगे? जवाब है, यूक्रेन के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और रूस पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूक्रेन नहीं झुकेगा।